हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो लाइक कर लीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए राइट साइड में बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। यह चैनल आपको सबसे पहले एजुकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को देता है। दोस्तों, आज के समाचार पत्रों की मुख्य खबरें लेकर के मैं प्रेजेंट हुआ हूँ और आज के समाचार पत्रों में ये खबर छाई हुई है कि 69,000 शिक्षक वैकेंसी में से 31,661 वैकेंसी की लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें 31,277 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। वैसी शिक्षक परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक चयन की अंतिम सूची सोमवार को जारी हो गई। 31,277 अभ्यर्थी को जिला आवंटित किया गया है। अनुसूचित जनजाति की 384 सीटों के लिए अभ्यर्थी नहीं मिल सके। अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र 16 अक्टूबर को मिलेगा। हेलो दोस्तों, आज के समाचार पत्रों में ये भी खबर छाई हुई है कि 31,277 चयनितों की वरीयता सूची जो जारी की गई है, आज सभी जनपद पर भेज दिए जाएंगे। हेलो दोस्तों, आज के समाचार पत्रों में ये भी खबर है कि 14 और 15 को जिले में होगी काउंसलिंग और चयन के बाद बीएससी कार्यालय में तत्काल ज्वाइनिंग। चयन प्रक्रिया जनपदीय चयन समिति द्वारा संपन्न कराई जाएगी। चयनित शिक्षकों को बीएससी कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। विद्यालय का आवंटन बाद में किया जाएगा। हेलो दोस्तों, आज के शिक्षा जगत की खबर में ये भी खबरें छाई हुई हैं कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापकों के 10,768 पदों की भर्ती में विभिन्न विषयों में चयनित 3,252 अभ्यर्थियों को भी इसी दिन ऑनलाइन नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। एलटी चयनित मित्रों को भी 16 अक्टूबर को ज्वाइनिंग दिया जाएगा। हेलो दोस्तों, आज के शिक्षा जगत की खबरों में ये भी खबर है कि चयन बोर्ड में प्रवक्ता हिंदी का साक्षात्कार 6 नवंबर से। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अब हिंदी विषय का साक्षात्कार शुरू कर रहा है। 2016 प्रवक्ता पीजीटी पद के लिए इंटरव्यू 6 नवंबर से होगा, जबकि 2016 का ही प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी पद का साक्षात्कार 10 नवंबर से होगा। चयन बोर्ड ने वेबसाइट पर विस्तृत कार्यक्रम व लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी है, जिसे दावेदार देख सकते हैं। शिक्षा जगत की खबरों में आगे खबर ये है कि 31,277 जो विद्यार्थी सफल हो गए हैं, उन्हें क्या क्या दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स लाने हैं। समझ लीजिए, हर अभ्यर्थी को काउंसलिंग में शैक्षिक व अन्य मूल अभिलेख, उसकी 2 सेट स्वप्रमाणित छाया प्रति, 4 पासपोर्ट साइज फोटो, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के नाम से आवेदन शुल्क का ड्राफ्ट देना होगा। इसमें अनारक्षित व ओबीसी के लिए 500, एससी एसटी के लिए 200, दिव्यांग का कोई शुल्क नहीं है। काउंसलिंग के बाद 15 दिन में ड्राफ्ट सभी बीएसए को परिषद कार्यालय 15 दिन में पहुंचाना होगा। हेलो दोस्तों, अगर पहली बार आप मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो लाइक कर लीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, ताकि हमारा उत्साह वर्धन हो और ये चैनल सबसे पहले आपको अप टू डेट कराता रहे शिक्षा जगत की खबरों से। एंड तक आपने वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच एवरीवन।